वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग। आई होप एकदम मस्त और चकाचक होंगे आप लोग। फिलहाल कल से यहाँ बारिश बहुत हो रही है लखनऊ में, और बहुत दिन बाद मैंने व्लॉग शुरू किया। बीच में थोड़ा सा तबीयत नासाज थी, कुछ चीज़ें और भी थी, तो व्लॉग लेट शुरू करने का कारण इस व्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आज हमारे यहाँ एक वर्कशॉप है CSP यानी चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी, तो उसी वर्कशॉप के लिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि अगर वर्कशॉप ना होती तो मैं आज गोला मार देता, क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। बारिश दिखाता हूँ आपको, बारिश देख रहे हैं अभी। मतलब ये तो मैं रुका हूँ तो यहाँ कम पानी मतलब जमा है, ज़्यादातर जगह जो है पानी होंक के जमा है। फिलहाल आज का दिन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो अभी लोग देख रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं वो बता रहे हैं कि चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी क्या होती है और कैसे वो हमारे काम को प्रभावित करती है, इसी को लेकर के पूरी चर्चा हो रही है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप एकदम मस्त होंगे आप लोग। आप सोच रहे होंगे कि आधे अधूरे में फिर से वेलकम कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या, पिछला एक महीना तो व्लॉग बनाने का वक्त नहीं मिला, और बहुत फ्रैंकली बोलें तो काम इतना ज़्यादा था कि वक्त नहीं मिला, है ना। ऑफिस के काम, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि व्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। बट फिलहाल शुरू किया था, उस दिन CSP की वर्कशॉप थी और उसी दिन मुझे आ गया वायरल फीवर। वायरल फीवर इतना तगड़ा था, एक हफ्ता बीत गया आज। अब जो है कंटिन्यू कर रहे हैं व्लॉग, और फिलहाल आज ऑफिस जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डे और कुछ क्रांतिकारी करते हैं, आज पुराने साथियों से मिलते हैं। और बहुत दिन बाद हमारे ब्लॉग में शुभम जी, शुभम जी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए कॉरपोरेट में आदमी कितना ज्ञानी होता है, सुन रहा है ज्ञान की बातें और ज्ञान की बातें म्यूट करके सुन रहा है। कैमरा बंद है क्या तुम्हारा? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरा अभी बंद किया है। और बताएं शुभम जी कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया है। कैसे हैं ये शब्द जब आप जॉब में हो तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी कमा ले वो कम ही रहता है। क्योंकि हम जैसे गरीब आदमी, हम जैसे लाचार आदमी, हम जैसे बेकार आदमी केवल यही सुनते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। देखा आपने दुख, आप देखिए कितना दुखी हो गया बेचारा, दुबला हो गया है। इसीलिए इसको मैं कहता हूँ शुभम जी, शुभम जी। पिछले काफी वक्त से मुझे लग रहा था कि आप लोगों से बात करनी चाहिए और मौका भी नहीं मिल पा रहा था। रीजन भी ये था कि अगर एक महीने से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और ब्लॉग बनाया तो उसका एडिटिंग किया, टुकड़ों में एडिट किया, काहली कहेंगे, मतलब काहली शब्द है, काम चोरी कहते हैं, बट ऐसा नहीं कि काम चोरी थी, बट थोड़ा सा तबीयत भी नासाज थी, थोड़ा सा फीवर वगैरह था तो उसको लेकर के परेशान था। फिर कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स थे, मुझे लगता था कि प्रोफेशनल, इनफैक्ट पर्सनल नहीं बोलूँगा, पर्सनल तो लाइफ बहुत मस्त रहती है अपनी, प्रोफेशनल कुछ एस्पेक्ट्स थे, करियर को लेकर के लगता था कि यार कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं वो सही हैं कि नहीं सही हैं, उसमें भी थोड़ा उधेड़ बुन में रहे। वक्त बीतता गया, फाइनली फिर से ब्लॉग बनाना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाई जाएं, कुछ ज्ञान वाली बातें शूट करी जाएं, है ना, हवा हवाई चीज़ें ना रखी जाएं। और काम बढ़िया चल रहा है, लक्ष्य से लाइफ अच्छी है, सेहत अच्छी है, सेहत को लेकर के मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट भी जल्दी आएगा। बाकी स्पिरिचुअल तो हुई, मेंटली स्ट्रॉन्ग हुई, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हुई, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी सब मस्त है, सब ठीक ठाक है। देश दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी इंस्टाग्राम मेरा अच्छा ग्रो कर गया, फेसबुक पेज मेरा ग्रो हुआ है,
यूट्यूब तो आप लोगों की बदौलत देख ही रहा हूँ कि अच्छा चल रहा है, पैसा भी आएगा इंशाल्लाह, नाम भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। और मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, तो इंशाल्लाह जब वो वक्त मुकर्रर होगा तो बेहतर तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल आज बस यही बोरिंग लाइफ चल रही है, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा मुखातिब हो जाए मौका निकाल के, क्योंकि कल परसों भी दो दिन मीटिंग्स रहेंगी कुछ, यही सब चलता रहेगा। बुक फेयर लखनऊ में लगा है, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग उस बुक फेयर को दिखाया जाए। किताबों से मुझे मोहब्बत है और अभी मैंने अपनी तीसरी किताब सबमिट करी है पब्लिकेशन के लिए, तो फिलहाल यही चल रहा है। आगे बढ़ाते हैं आज के दिन, देखते हैं क्या कुछ तुर्रम खाई हम कर पाते हैं। और ये हैं हमारे अभिषेक जी। अभिषेक जी मुस्कुराते हुए रील्स देखते हुए, बताएं अभिषेक जी कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे जोर से बोलो, खाना नहीं खाया? वाह वाह क्या बात। मेरा एक दोस्त, उसके पिताजी का नाम है प्रेम, तो उससे को प्रेम से बोलो तो कहता था मेरे पापा से बोलो, ये माता जी। तो भैया फिलहाल आज का व्लॉग समाप्त करने का वक्त आ गया है। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई, मस्त रहें स्वस्थ रहें। फिलहाल कोशिश है कि डेली व्लॉग ना सही तो दो तीन दिन में एक व्लॉग जरूर आएगा इंशाल्लाह। और आज का दिन मस्त रहा, चकाचक रहा, देश विदेश की घटनाएं चल रही हैं, कनाडा बड़ा हाइप पर है, कनाडा का मामला मतलब नासूर बन गया है, और कभी उस पर तफसील से बात करेंगे कि खालिस्तानी रॉ इंडिया क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, क्या हमारी जो मीडिया की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या हो रहा है, ये सब उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जीवन में, बाकी तो दुख सुख लगा ही रहता है, तो एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर।